एपिसोड 2 में हमने देखा था कि जेनिफर ब्रोंसकी का केस लड़ने के लिए तैयार थी। वो उसका केस हैंडल कर रही थी, पर लास्ट में हमने देखा था कि ब्रोंसकी अब अमिश्रबन जेल से भाग गया है और वो किसी शो पे जाकर फाइट कर रहा था। फिर हम तीसरे एपिसोड में देखते हैं कि जेनिफर फिर से मिलने के लिए ब्रोंसकी के पास जेल में जाती है, पर ब्रोंसकी अपने सेल में ही होता है। जेनिफर पूछती है कि तुम जेल से भागे क्यों थे। ब्रोंसकी बताता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुझे जबरदस्ती भगाया गया था। पूछने पर ब्रोंसकी कहता है कि मुझे वोंग नाम के आदमी ने भगाया था। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर की दोस्त निकी वोंग को इंटरनेट के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही है। फिर हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि ब्रोंसकी को लेकर जेनिफर भी कंट्रोवर्सी में होती है। जब जेनिफर ऑफिस आती है तो उसे डेनिस उसके बॉस हेलवे के पास मिलता है। डेनिस अपना केस लेकर आया था और उसे एक लायर चाहिए था। हेलवे इस केस को जेनिफर को रेफर करता है, पर डेनिस कहता है कि मैं अपना जेनिफर को नहीं देना चाहता। दरअसल डेनिस और जेनिफर दोनों पहले एक ऑफिस में काम करते थे, पर इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। फिर डेनिस पास में खड़े एक लॉयर को अपना केस देता है, जिसका नाम है पॉप। उसका केस ये था कि लाइटेल ने गर्लफ्रेंड बनके उससे पैसे लूट लिए थे, करीब 1,75,000 डॉलर। लाइटेल एक सुपर ह्यूमन है और वो रूप बदल सकती है, और उसने एक खूबसूरत लड़की का रूप बदल के ही डेनिस से पैसे लूटे थे। फिर वहां पर बॉन्ग आता है, जिसे निकी ने बुलाया था। जेनिफर बॉन्ग से ब्रोंसकी के बारे में पूछती है तो बॉन्ग कहता है कि ब्रोंसकी ने जो भी बताया वो सब सच है। मैंने ही ब्रोंसकी को जेल से भगाया था। मेरा कोई जरूरी काम था, अब मेरा काम हो गया है तो इसीलिए मैं फिर से जेल में उसे छोड़ गया। तो जेनिफर कहती है कि जिस दिन ब्रोंसकी की कोर्ट में सुनवाई होगी आपको गवाही देने के लिए आना होगा। तो बॉन्ग उसे हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर देखते हैं कि वो दिन आ गया जिस दिन ब्रोंसकी की सुनवाई होनी थी। ब्रोंसकी को जज के सामने पेश किया जाता है। जेनिफर कहती है कि ब्रोंसकी अब बदल गया है, वो पहले की तरह नहीं रहा, अभी इसको एक मौका देना चाहिए। तो ब्रोंसकी कहता है कि हाँ, मैं सच में बदल गया हूँ, मैंने जो कुछ भी पहले किया मुझे उसका बहुत दुख है। तो जज फिर उसे जेल से भागने की वजह पूछते हैं, तो फिर वहाँ पे वोंग भी उसकी गवाही देने के लिए आ जाता है। पर इधर हम देखते हैं कि डेनिस का केस भी चल रहा था। पॉप डेनिस की सारी बातें जज को बताता है कि कैसे लाइटेल ने धोखे से डेनिस से पैसे लूटे हैं, पर पॉप को जे के हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, पर जज आगे के तरीके देके कोर्ट से चला जाता है। और इधर हम वोंग को देखते हैं जो कि जज को गवाही दे रहा था, और वो कहता है कि ब्रोंसकी को मैंने ही किसी जरूरी काम से भगाया था, पर ब्रोंसकी खुद जेल में आया है अपनी सजा पूरी करने के लिए, अगर वो चाहता तो वो यहाँ से भाग सकता था। तो जेनिफर कहती है कि हमें ब्रोंसकी को एक मौका देना चाहिए, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। तो फिर जज कहते हैं कि अगर कभी ब्रोंसकी अबोमिशन बन गया तो वो तबाही मचा सकता है। तो ब्रोंसकी इस बात पे कहता है कि मेरा मुझ पर कंट्रोल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। साबित करने के लिए ब्रोंसकी अपने सेल में अबोमिशन बन जाता है और वो सबको दिखाता है, पर सभी जज डर जाते हैं। पर ब्रोंसकी सबको साबित कर देता है कि मेरा अबोमिशन पर कंट्रोल है। तो जज यहाँ पर ब्रोंसकी के अबोमिशन बनने पर बैन लगाते हैं और उसे बेल पे छोड़ देते हैं, मतलब कि उसे रिहा कर देते हैं। तो यहाँ पर जेनिफर जेकेस जीत चुकी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद डेनिस का केस देखते हैं। पॉप ने डेनिस की अगुवाई में जेनिफर को बुलाया था। तो जेनिफर जहाँ पे जज के सामने डेनिस के हक में गवाही देती है और डेनिस ये केस जीत जाता है। जज ये फैसला सुनाते हैं कि लाइटेल को उसके सारे पैसे वापस करने होंगे और लाइटेल को 60 दिनों की सजा मिलती है। जब जेनिफर घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जेनिफर शी-हल्क बनकर उनको अच्छे से सबक सिखाती है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी अगली क्लाइंट मेगन थी, ये दोनों मिलकर आपस में मस्ती से डांस करती हैं। और यहीं पे ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप मूवी की स्टार्टिंग में हम डोनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना मैजिक शो दर्शकों को दिखा रहा था, पर दर्शक यहाँ पे बोर हो रहे थे इसलिए वो एक मेडिसन नाम की लड़की को स्टेज पे बुलाता है, जिसके साथ वो दर्शकों को कुछ मैजिक दिखाता है। वो मेडिसन के पीछे एक जादू से पोर्टल बनाता है और उसे उस पोर्टल में भेज देता है। फिर इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे टीवी देख रहा था। उसके पास वही लड़की मेडिसन आके गिरती है जो कि उसी पोर्टल से होते हुए वोंग के पास आके गिरी। तो मेडिसिन जहाँ पे वोंग को सारी बात बता देती है कि कैसे एक डोनी नाम के जादूगर ने मुझे पोर्टल में गिरा दिया और अब मैं जहाँ पे आके फंस गई हूँ। तो ये सुनकर वोंग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो डोनी को जानता था। फिर देखते हैं कि वोंग जेनिफर के पास आता है, वो डोनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहता था। वोंग जेनिफर को डोनी के बारे में बताता है कि वो कैसे अपनी जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो हमारे साथ ही जादू सीखता था पर उसकी हरकतों को देखते हुए उसे वहां से निकाल दिया गया था। वो एक असली जादूगर नहीं है, उसकी एक गलती से पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है। कंप्लेंट लिखाने के बाद वोंग यहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वोंग और जेनिफर दोनों डोनी के पास गए हैं उसे लीगल नोटिस देने के लिए, ताकि जो सब वो बंद कर दे। उसे समझाते हैं पर वो नहीं समझता। फिर वो फैसला करते हैं कि हम इसके ऊपर केस करेंगे। फिर हम जेनिफर को एक लड़के के साथ डेट करते हुए देखते हैं, पर उसे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डोनी और वोंग का केस चल रहा था। जेनिफर जज को बताती है कि डोनी एक अधूरा जादूगर है
इसे जादू की पूरी नॉलेज नहीं है, ये जादू को गलत इस्तेमाल कर रहा है जिसके कारण दुनिया पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गवाही देने के लिए वहाँ पर मेडिसन को बुलाया जाता है। मेडिसन आके वॉन्ग के हक में गवाही देती है। डोनी का वकील भी अपनी बेतुकी दलीलें दे रहा था तो जज कहती है कि इतने सबूत काफी नहीं, हमें और सबूतों की जरूरत है। वो आगे की तारीख दे देती है, पर जब तक डोनी अपने रोजगार के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके बाद हम जेनिफर को घर पे देखते हैं। वो एक डेटिंग ऐप से अपने लिए लड़का खोज रही थी। वो कई लड़कों से मिलती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। आखिर में उसे एक लड़का मिलता है जो कि डॉक्टर था, वो उसे पसंद आता है। इधर हम फिर से डोनी को देखते हैं जो कि स्टेज के ऊपर अपना जादू दिखा रहा था। वो एक जादू से कबूतर बनाता है और वो कबूतर एक अंडा देता है जिसमें से एक खतरनाक क्रिएचर निकलता है। लोग इस क्रिएचर को देख कर डर जाते हैं तो डोनी इसको देखकर फिर से पोर्टल खोलता है और उस क्रिएचर को उठा के उस पोर्टल में फेंक देता है, पर उससे वो पोर्टल बंद नहीं हुआ जिसके कारण उसी पोर्टल में से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगे। फिर डोनी मदद के लिए वोंग के पास आता है और वो उसे सारी बात बताता है। तो वोंग जहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि शी हल्क बनकर उस डॉक्टर के साथ डेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे उसके पास वोंग आ जाता है। वो उसे सारी प्रॉब्लम बताता है कि डोनी ने क्या कर दिया और वो उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। तो शी हल्क यहाँ पे बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी डेट डिस्टर्ब हो गई थी। वो सभी क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। वोंग और शी हल्क मिलकर सभी क्रिएचर को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देते हैं। फिर शी हल्क डोनी को उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करने को कहती है तो डैनी यहाँ पर मान जाता है। फिर शी हल्क वापस आके अपनी डेट को अच्छे से स्पेंड करती है। सुबह होते ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसका जाना जरूरी था। फिर जेनिफर के पास एक आदमी आता है जो कि एक लीगल नोटिस लेकर आया था और ये लीगल नोटिस टिटानिया की तरफ से था। दरअसल टिटानिया ने शी हल्क नाम को पहले ही अपने नाम से ट्रेड करवा लिया था। इस बात को लेकर वो जेनिफर के ऊपर केस कर देती है। फिर लास्ट में हम मेडिसन और वोंग को एक साथ में देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठ कर टीवी देख रहे थे और यहीं पे फोर्थ एपिसोड शी हल्क का खत्म हो जाता है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इसके सारे पार्ट देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।